हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टाबजिल सस्पेंशन सिरप के बारे में। इसके मुख्य यूज क्या होते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। स्टाबजिल मार्केट में इस समय बिक रहे हैं बहुत तेज़ी से। इस समय डायरिया का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से स्टाबजिल सस्पेंशन बहुत तेज़ी से बिक रहा है। यह मैंगो फ्लेवर में होता है और बच्चे इसे आसानी से पी लेते हैं। जिन बच्चों में डायरिया, लूज मोशन की ज़्यादा समस्या है, दिन भर में 5-6 बार से ज़्यादा लूज मोशन, 10 बार से ज़्यादा लूज मोशन हो जाती है, उन्हें स्टाबजिल ज़रूर पिलाएँ, जिससे कि उनके पेट को कंट्रोल किया जा सके। इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो लिवोफ्लॉक्सासिन और विथ मेटिंडाजोल सस्पेंशन है। लिवोफ्लॉक्सासिन क्या होता है, हल्की सी कड़वा हो सकती है, लेकिन यह मैंगो फ्लेवर में होती है। इसमें जो लिवोफ्लॉक्सासिन विथ मेटिंडाजोल, ये डायरिया को तुरंत कंट्रोल करके बच्चों के पेट को तुरंत ठीक करता है। ये पीने में भी मैंगो जैसा लगता है, जिससे बच्चे वोमिटिंग नहीं करते हैं। और यह 30 ml का सिरप होता है और लाइकाम लुक्रेज इसकी कंपनी है, जो कि अब डिवीज़न होकर अलग हो गई है। इसकी जो MRP है वो 54.90 रुपये हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक्रोज लाइफफार्म का एक डिवीज़न था जो इसे बनाती है और बहुत अच्छा वर्क है इस पेट को रोकने के लिए, लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये अंदर का पैक प्लास्टिक में आती है। ये इसके डोज ऊपर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर ये कैप का लोगो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml और 10 ml का डोज आपको इस कैप के माध्यम से मिल जाएगा। डॉक्टर अपने सलाह से इसको यूज़ करवाते हैं। इस बच्चे का क्या एज है और क्या वेट है, इसके हिसाब से इस डोज को निर्धारित किया जाता है। वैसे नॉर्मली 5 ml BD से पिलाया जाता है। यदि नॉर्मल 2 साल का बच्चा है तो उसे आप 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, या अपने डॉक्टर की सलाह से भी इसका डोज को निर्धारित कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे का पेट रुक जाता है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद होगा कि स्टाबजिल सिरप आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको यूजफुल लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके, उनका लाभ ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।